नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि एयरटेल पेमेंट बैंक उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक को हम कैसे अप्लाई करके हम उसमें पैसे रख सकता है उसको मैं अभी दिखाऊंगा। और एयरटेल के ज़रिए से हम भीम यूपीआई मतलब पीपीआई को हम कैसे क्रिएट करते हैं उसको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाके हमें टाइप करना है एयरटेल पेमेंट बैंक। यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक टाइप करना है, उसके बाद हम उसको चार्ज करेंगे, उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे। आपके पास डाउनलोड करके रखा है तो आप उसे ओपन कर लीजिए। तो मेरा डाउनलोड करके रखा हुआ है तो उसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ और फिर से अलाउ। उसके बाद थोड़ी देर मुझे रुकना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर डालना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एयरटेल मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद सेंड ओटीपी पर करना है, उसके बाद ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पर आएगा, मतलब जिसमें मैंने मोबाइल नंबर डाला था ओटीपी आ चुका है और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ तीर के निशाने पर क्लिक करना है, यहाँ पर डालते ही नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा और डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद ऐसा पैसा आएगा और अलाउ करना है, अलाउ। उसके बाद यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है, ये उसका फीचर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम फिर से उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी भीम यूपीआई पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद ये प्रोसेसिंग हो रहा है, तो प्रोसेसिंग चल रहा है। तो यहाँ पर सेंड एसएमएस पर क्लिक करना है, यहाँ पर मेरा एयरटेल सिम पर मैं क्लिक करें और उसके बाद प्रोसीड पर किया। उसके बाद डिवाइस को वेरीफाई कर रहा है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो मेरे पास रिसीव हो रहा है डिवाइस, इसके में से एसएमएस आया था। उसके बाद ये मेरा अपने आप खुल के आ गया मेरा मोबाइल नंबर के साथ @एयरटेल, ये मेरा VPN नंबर है। तो यहाँ पर मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कनेक्शन हो चुका है अपने आप, मतलब मेरा मोबाइल नंबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो ये मेरा VPI ID हो चुका है, मतलब VPI ID हो चुका है और UPI कनेक्शन हो चुका है। तो आप यहाँ पर इसका जाके देख सकते हैं, आप बैंक पर आप क्लिक कर करके देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप एड मनी पे कर सकते हैं, रिचार्ज पे कर सकता है। यहाँ पर आप मोर पर देके सब कुछ देख सकता है क्या क्या दिया गया है। उसके बाद आप रीड मोर पर भी देखे उसका क्या क्या कैसे से उसके बाद आप देख सकते हैं, आप पढ़ के देख सकता है। आप सारे के सारे पढ़ के खुद पढ़ के देख सकता है यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। उसके बाद यहाँ टिप्स भी दिया गया है, उसको भी आप पढ़ के देख सकता है इसमें क्या क्या टिप्स दिया गया है। तो हम यहाँ मनी भी ऐड कर सकता है,
तो हम जितना चाहे उतना मनी ऐड कर सकता है। तो अकाउंट डोरमेंट दिखा रहा है मुझे, तो इसके तो मैं बाद में वॉलेट में ऐड कर लूँगा, आप भी ऐड करके ले सकता है। तो ऐसा ही आप एयरटेल पेमेंट बैंक को आप खोल सकते हैं, सिर्फ आपको प्ले स्टोर से एप्स डाउनलोड करके इसको डाउनलोड करना है, और या ओआर कोड भी स्कैन कर सकता है, उसके बाद पे कर सकता है। स्कैन एंड पे पर क्लिक करने के बाद आपको ओआर स्कैन होता है, तो आप यहाँ से प्रीपेड और पोस्ट पेड रिचार्ज भी कर सकता है, ब्रॉडबैंड का भी बिल भर सकता है। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।